दोस्तों संपूर्ण कृषि YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और फसलों में हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं फसलों को विशेष उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, फसलों का विशेष उपयोगिता के आधार पर। फसल कोई और है, उपयोगिता उसको किसी और चीज के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ विशेष उपयोगिता के लिए हम कुछ स्पेशल चीज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं, जिसमें हमने दो वर्गीकरण कर लिया था। एक था हरी खाद के रूप में, जब किसी फसल को हम हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं, फसल तो दलहनी है, जैसे दाल वाली मैक्सिमम फसलों को हरी खाद के रूप में हमें प्रयोग किया जाता है, तो जब दाल वाली फसल को एक विशेष उपयोग, विशेष मतलब हरी खाद के रूप में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं, वृद्धि के रूप भूमि में वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे हमारी खाद की कहते हैं। दूसरा है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप के अंतर्गत जब मृदा के अपरदन को कम करने के लिए किसी ऐसी फसल को उगा ली जाती है, अपरदन का मतलब होता है जो हवा से और पानी से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसको कम करने के लिए जब हम किसी ऐसी फसल को उगा लेते हैं जब वो मृदा को भूमि को एक सतह के रूप में ढक लेती है, जिससे वह पानी के बहाव से तथा वायु के संपर्क में आने से मृदा का अपरदन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं कवर क्रॉप। इसका अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कैच क्रॉप। क्या पढ़ रहे हैं? कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का मतलब है पकड़ना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्या पकड़ना? कैच क्रॉप का मतलब है पकड़ना, कैच करना। किसको करना? ऋतु को। एक ऋतु समाप्त हो रही है और दूसरी ऋतु को पकड़ने के लिए उसके बीच का जो साधन हम अपनाते हैं उसी को हम जो फसल अपनाते हैं उसी को हम कहते हैं कैच क्रॉप। थोड़ा सा हम लोग अध्ययन काफी दिन से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, फसलों को अंतर्वर्ती फसलों को कैच करना या पकड़ना, इस चीज को हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और अध्ययन करेंगे फसलों को पकड़ना अंतर्वर्ती, किसी को कैच क्रॉप को बोलते हैं हम अंतर्वर्ती फसलें। इसमें क्या है अंतर्वर्ती फसलें में, जब किसान दो मुख्य फसलों के बीच अपनी श्रम और पूंजी को सदुपयोग करने के लिए, अपने श्रम और पूंजी का सदुपयोग करने के लिए, क्या करने के लिए, श्रम और पूंजी का सदुपयोग करने के लिए एक अल्प अवधि की फसल उगा लेता है, तो उसी को कहते हैं कैच क्रॉप। अब जैसे क्या है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जैसे फसल चक्र लिख देते हैं, फसल चक्र, ठीक है। हम एक फसल चक्र लिखते हैं, जैसे मक्का। मक्का किसमें उगाई जाती है? खरीफ में, खरीफ ऋतु में। दूसरी है आप लिखते हैं आलू। आलू और ये किसमें उगाई जाती है? रबी में। उसके बाद एक किसान फसल उगाएगा, वो उगा रहा है जैसे आपका लौकी। लौकी अब ये इसकी तीन मुख्य फसलें, दो फसलों के मध्य ये समय है, ये इस चीज को कहते हैं, ठीक है। ये मध्य है, ठीक है। क्या है? मध्य। दो फसलों के मध्य कोई एक फसल, अल्प अवधि की फसल उगा ली जाए तो उसे हम कहते हैं कैच क्रॉप। मान लो जैसे कैसे होता है कि अगर कोई किसान अपने खेत की तैयारी करता है और मक्के की बुआई करता है, लेकिन किसी कारणवश मक्के की बीज खराब होने के कारण, या तो मक्का का पौधा नहीं, बीज नहीं बराबर उगता है, या मक्का का पौधा उगता है लेकिन बारिश अधिक हो जाती है, और बारिश अधिक होने के कारण, क्योंकि खरीफ ऋतु की है, और मक्का की फसल क्या होती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट। ध्यान रखिएगा, नष्ट हो जाती है। तो अब इस नष्ट होने के बाद किसान की ये खेत क्या होगा? खाली रह जाएगा ना। क्या हो जाएगा? खाली। खाली हो जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा, कोई फसल नहीं रहेगी। तो और दूसरी क्या है, तब वो किसान क्या करता है कि इतने समय में, जैसे मक्के की बुआई करने का जो समय होता है वो होता है जून के लास्ट से जुलाई, जुलाई 15 तक। तो अगर जुलाई के बाद अगर वो बो दिया और बीच किसान ने, मान लो एक जुलाई लास्ट तक के फसल नष्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद मक्का बोएगा तो क्या होगा? आलू की फसल लेट हो जाएगी, अगली फसल उसकी लेट हो जाएगी, और लेट होगी तो क्या होगा? उत्पादन
उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा और उत्पादन यहां भी कम, और यहां तो मक्का की फसल है, तो बाद में क्या है, अब उसको क्या करना है, खरीफ तो बेकार ही जा रही है, रवि को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, रवि को, अगली